नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। मेरा नाम है मोहित रांटा और आज ऑफिशियल की आ चुकी है 689 पोस्ट कोड। लेबर इंस्पेक्टर जो हुआ था 25 तारीख को जो पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल की आ चुकी है, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बी सीरीज की जो आंसर की है, बी सीरीज की मैं इसमें डिस्कस करूंगा। आप क्वेश्चन से इसको मिला सकते हैं। लास्ट में मैं आपको ये भी इसके जो अलग अलग जो ए और ए बी सी और डी सीरीज की जो आंसर की है वो भी मैं इसको लास्ट में आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज डोमिनेटेड बाय द डेजर्ट वेजिटेशन। तो इसका राइट आंसर ए है, राजस्थान। दूसरा आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंजम्पशन ऑफ फिश पर पर्सन इज हाईएस्ट। तो इसका राइट आंसर है ए, केरला। नेक्स्ट आता है, जो तवा इरिगेशन है ये प्रोजेक्ट कहां पर है, तवा सिंचाई परियोजना जो है ये है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लीची। तो लीची के प्रोडक्शन में इसका राइट आंसर बी है, बिहार। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, टेलीफोन केबल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट। तो हमने बताया था इन ए और सी में से इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, रूपनारायणपुर जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनरीज रिफाइंस क्रूड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द ऑयल सीड्स। तो सिक्स जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ए, कोयली। जो कोयली है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट अमंग द इनलैंड स्टेट। तो इसका राइट आंसर बी, पंजाब है। हमने इसमें उत्तर प्रदेश बताया था, तो इसका राइट आंसर है बी, पंजाब। नेक्स्ट आता है, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ द स्टेट हैज वेस्टेड इन। तो आठवां जो सवाल है इसका राइट आंसर है डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर है डी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट सवाल आता है, हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर सी है, एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो 11th जो सवाल है ये है, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। तो 11वां जो है इसका राइट आंसर है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, द ऑर्डिनेंसेस इश्यूड बाय द गवर्नर आर सब्जेक्टेड टू अप्रूव बाय। तो 12वां जो सवाल है इसका राइट आंसर सी है, द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट आता है, द पब्लिक हेल्थ एंड द सैनिटेशन सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 13th जो सवाल है इसका राइट आंसर आता है बी, स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर है डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट आता है, फाइनेंस कमीशन इज कंसिडर अंडर विच ऑफ द आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर ए है, 280। नेक्स्ट आता है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शन फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946, ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन आर इंक्लूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो ए इसका राइट आंसर है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है, हु इज नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफिसर। तो इसका राइट आंसर डी है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द लोकसभा। तो इसका राइट आंसर है 2, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, लोकसभा जो द चेयरमैन ऑफ लोकसभा इज डेजिग्नेटेड एज द स्पीकर, बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो सवाल है 21वां, द प्रोविंसेस रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय। तो इसका राइट आंसर है मिनिमम 2/3 मेजोरिटी, 21 इसका 21 का बी राइट आंसर है। 22 की बात करें तो 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ओवर द अंडमान एंड निकोबार। तो इसका राइट आंसर है बी, कोलकाता। इसके बाद आता है, नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय। तो इसका राइट आंसर है 23 का राइट आंसर है सी, सी है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है, इन विच वन ऑफ द ईयर रोलिंग प्लान वॉज इन ऑपरेशन इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है बी, 1978 से 1979 तक। नेक्स्ट सवाल आता है, विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट सवाल आता है,
भारत निर्माण प्लान इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ, तो 26th जो है, 26th का राइट आंसर है बी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है, पॉवर्टी लेवल इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ, सो 27 जो है इसका राइट आंसर है सी, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट सवाल आता है, द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वॉज टू आउटकम ऑफ द एफर्ट ऑफ हु एमंगेस्ट द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर है डी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। 29 की बात करें तो 29 है, द फाइव हैवी द फर्स्ट हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट अप इन द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया इज, तो इसका राइट आंसर है दुर्गापुर, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, द यूरोपियन यूनियन हैज अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ कॉमन करेंसी, तो जो 30th है इसका राइट आंसर है डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इसके बाद आता है, विच बैंक इन इंडिया परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल बैंक, तो आरबीआई, इसी इसका राइट आंसर है। इससे अगला जो सवाल है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिवेन्यू अकाउंट, तो 32 जो है इसका राइट आंसर है डी, डी जो है ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड पिलर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, तो 33 जो है इसका राइट आंसर है डब्ल्यूटीओ सी, लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रोड्यूस्ड बाय, 34 जो है इसका राइट आंसर है बोथ बाय एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है, व्हाट इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग डिमांड, तो 35 का राइट आंसर है प्राइस, कीमत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, मार्केट इंपरफेक्शन इन द कंट्री आर रिफ्लेक्टेड इन, तो 36 जो है, 36 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल है, इंक्रीज इन नेट आरबीआई क्रेडिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट, तो 37 जो है इसका राइट आंसर है सी, मोनेटाइज डेफिसिट। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज कलेक्टेड बाय पंचायत, तो इसका राइट आंसर है डी, नन ऑफ दीज। 39 आता है, टू विच सेक्टर इज मैक्सिमम वेटेज असाइंड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग, ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगले सवाल की ओर जाएं, तो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 40 जो है इसका राइट आंसर है सी, 1964। इसके बाद आता है, IRDA इज एसोसिएटेड विद, तो 42 जो है इसका राइट आंसर है, 42 का राइट आंसर है डी, नन ऑफ दीज। इसके बाद आता है, द व्हील ऑफ अ बाइसिकल हैज, तो इसका राइट आंसर है सी, रोटेटरी एज वेल एज द ट्रांसलेटरी मोशन, तो 44 की बात करें, 44 है, इफ अ स्टोन इज थ्रोन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स ट्रेजेटरी विल बी, तो इसका राइट आंसर है ए, पैराबोला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, जो कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका राइट आंसर है सी, कन्वर्जिंग लेंस, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे इज इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 46 का राइट आंसर है फ्रीक्वेंसी, सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है, इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल रॉकेट द फ्यूल इज, 47 जो है इसका राइट आंसर है रिफाइंड केरोसिन, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, द एनर्जी ऑब्टेंड बाय द सन एंड द स्टार इज नोन एंड, 48 का राइट आंसर है, द एनर्जी ऑब्टेंड बाय द सन एंड द स्टार इज नोन एज, तो इसे कहा जाता है सी, स्टेलर एनर्जी, 48 का राइट आंसर है सी, स्टेलर एनर्जी। इसके बाद आता है, द फोटोग्राफिक फिल्म कंटेन द कोटिंग ऑफ, तो 49 जो है, 49 का राइट आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड, ए इसका राइट आंसर है। विच एमंग द फॉलोइंग गिवन ग्रीन कलर इज इन फायरवर्क्स, तो इसका राइट आंसर है 50 जो है इसका राइट आंसर है बेरियम क्लोराइड, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट सवाल है बेकिंग सोडा इज, तो बेकिंग सोडा इज 51 का राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद है, द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेयॉन इज, तो 52 का जो राइट आंसर है, 52 का राइट आंसर है सी, जो सेल्यूलोज है ये इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट शो
मेटामॉर्फिक ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, जो 53 है इसका राइट आंसर है सिल्वर फिश, ये डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है एपिकल्चर इज एसोसिएटेड विद, तो हनी बी ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक आर सिचुएटेड इन, तो अपर जॉ, बी इसका राइट आंसर है। विच इज ऑल्सो नोन एज द एमरजेंसी हारमोन्स, तो 56 जो है उसका राइट आंसर है सी एंड्रेलिन, ये इसका राइट आंसर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय 56 का 57 का राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज बीन बेस्टोड विद द स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2018, तो इसका राइट आंसर है ए अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट सवाल लें, नेक्स्ट आता है द झारसुगुड़ा एयरपोर्ट विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है विद विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट स्वयं सिद्धा टू कम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये इसका राइट आंसर बी है वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू डेवलप डॉक्यूमेंट ऑन कूलिंग एक्शन प्लान, तो 61 जो है इसका राइट आंसर है डी इंडिया। इसरो हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी इंकम्बिशन सेंटर इन विच स्टेट, तो 62 का राइट आंसर है ए त्रिपुरा। इसके बाद आता है हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इंडिया फर्स्ट वुमन IAS ऑफिसर पोस्ट इंडिपेंडेंस हु पासिस अवे रिसेंटली, 63 जो है 63 का राइट आंसर है डी। इसके बाद आता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ द एटोमिक एनर्जी कमीशन, 64 जो है 64 का राइट आंसर है कमलेश नीलकंठ व्यास, तो ये इसका राइट आंसर है। 65 की बात करूं तो 65 है इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट फेंस पायलट प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड अमंग, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट इसके बाद बात करूं तो नेक्स्ट आता है विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन टू द बोर्ड ऑफ US इंडियन स्टेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, तो इसका राइट आंसर है CS जयशंकर। नेक्स्ट आता है विच कंट्री हैज रिसेंटली रोल्ड आउट वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, तो 67 का राइट आंसर है ए जर्मनी। इसके बाद आता है फर्स्ट इंटरनेशनल मैकोम म्यूजिकल वॉज हेल्ड इन, तो 68 जो है इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन नेपाल एंड चाइना, इसका राइट आंसर है। 70 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द वेन्यू फॉर द 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018, तो इसका राइट आंसर है बी पोर्ट लुइस। तो इसके बाद आता है विच इंडियन स्पोर्ट्समैन हैज क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन 18th जकार्ता जो एशिया गेम्स 2018, तो इसका राइट आंसर है बी बजरंग पुनिया। नेक्स्ट इसके बाद आता है रिसेंटली टेस्टेड एंटी टैंक गाइड मिसाइल हेलीना इज हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ विच मिसाइल, 72 का राइट आंसर है सी नाग। तो इसके बाद आता है द बुक 281 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर, तो इसका राइट आंसर है VVS लक्ष्मण। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट सवाल है फुआद मिर्जा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो इसका सही जवाब है घुड़सवारी इक्वेस्ट्रियन। तो नेक्स्ट आता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अटल जी ने कहा, तो 75 जो है 75 का राइट आंसर है ब्रिजेंद्र रेही। तो नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट इसमें ये एप्टीट्यूड का सवाल है, 76 का राइट आंसर डी है, 77 जो है 77 का राइट आंसर ए है, 78 की बात करूं तो 78 का राइट आंसर डी है किशन, और 79 का जो सवाल का जो जवाब है वो डी है वाइफ, और 80 की बात करूं तो 80 का राइट आंसर है 81 की बात करूं तो 81 का जो राइट आंसर है वो वेस्ट है। नेक्स्ट सवाल की बात करूं, नेक्स्ट 82 की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट 82 का जो राइट आंसर है वो डी है 21 ईयर। और इसके बाद आता है इन विच ईयर लॉरेंस असाइलम वॉज फाउंडेड इन सनावर नियर कसौली, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1847। बाबा भंडारी दास वॉज द फेमस सेंट इन विच स्टेट, तो 84 जो है इसका राइट आंसर है सिरमौर। इसके बाद आता है महामृत्युंजय टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो 85 का राइट आंसर है मंडी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद आता है वेयर इज द स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लोकेटेड, तो ये इसका राइट आंसर जुड़गा है ए। 87 की बात करूं तो 87 है इन द एंशियंट टाइम
विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ द हिल पीपल, तो ये है कोलेरियन, ये याद रखिएगा कोलेरियन. विच ऑफिसर ऑफ द आर्मी बिलोंग टू HP बिकम अ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो VN शर्मा सी इसका राइट आंसर है. 89 की बात करूं, 89 की अगर मैं बात करूं तो 89 है इन विच ईयर फर्स्ट नेशनल विंटर स्पोर्ट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, तो 89 का राइट आंसर है बी 2000 में. नेक्स्ट आता है द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ HP विधानसभा, तो विद्या स्टोक्स बी इसका राइट आंसर है. इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रिज ओवर सतलुज, तो डी इसका राइट आंसर है, सॉरी डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हु बिल्ट द महिमा लाइब्रेरी, तो इसका राइट आंसर डी है, अमर प्रकाश. इसके बाद आता है हु रोट द बुक मकलसर तवारीख ए रियासत चंबा, तो ये बुक लिखी थी 93 जो है, इसका राइट आंसर है सी गरीब खान. विच फ्रीडम फाइटर्स स्टैचू हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द मिड ऑफ मंडी टाउन, तो 94 जो है इसका राइट आंसर है ए हिरदा राम. नेक्स्ट इसके बाद है डोकरे का धान इज अ फेमस क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली ऑफ HP, तो इसका राइट आंसर है पब्बर वैली, बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट 96 की बात करूं तो 96 जो है, 96 है द मेन टनल ऑफ नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट इज फ्रॉम, तो ये रत्नापुर टू मंगलपुर है. नेक्स्ट आता है ड्यूली फार्म फॉर द फिश ब्रीडिंग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच खड इन HP, तो 97 का राइट आंसर है अली खड, बी इसका राइट आंसर है. इसके बाद है विच प्लेस इज फेमस फॉर द पीच वैली ऑफ हिमाचल, तो इसका राइट आंसर है डी नन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट अगर इसके बाद बात करूं तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं. नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडस्ट्रियल सेंटर इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो अर्की इसका राइट आंसर है. इसके बाद आता है सरयू फेयर ऑफ बिलासपुर इज डेडिकेटेड टू, इसका राइट आंसर है सरयू फेयर जो है, इसका राइट आंसर है सी हडिम्बा देवी. इसके बाद आता है बाबा वालकूराम म्यूजियम इज लोकेटेड एज, 101 का राइट आंसर है ए शिमला. इसके बाद आता है बूंदा फेस्टिवल इन HP इज एसोसिएटेड विद, 102 जो है इसका राइट आंसर है डी परशुराम. इसके बाद आता है वेयर डिड रानी खैरागढ़ी ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट, तो इसका राइट आंसर ए है लखनऊ. इसके बाद 104 की अगर बात करूं हु बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन 1986, तो 104 का जो राइट आंसर है वो है जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर. इसके बाद आता है राजा ऑफ विच स्टेट गॉट हिज डॉटर मैरिड टू बंदा बैरागी, तो 105 का जो राइट आंसर है वो है बी चंबा. इसके बाद आता है द फर्स्ट हिस्टोरियन टू मेक मेंशन ऑफ कांगड़ा स्टेट, तो 106 जो है इसका राइट आंसर है फरिश्ता. इसके बाद आता है खीर गंगा इज अ हॉट स्प्रिंग इन, तो ये है कुल्लू में, कुल्लू इसका राइट आंसर है. इसके बाद अगर बात करूं तो द रेस्ट्रिक्शन ऑफ वुमन इन नाइट एम्प्लॉयमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू, तो 108 का जो राइट आंसर है, 108 का राइट आंसर है ए, ए इसका राइट आंसर है फैक्ट्रीज एक्ट 1883. इसके बाद आता है द चाइल्ड लेबर एक्ट 1984 इज अ एग्जांपल ऑफ, जो 1986 का चाइल्ड लेबर एक्ट है ये एग्जांपल है. 109 का जो राइट आंसर है वो है बी प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन. इसके बाद आता है द मैक्सिमम वेजेस एज फिक्स्ड अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 मस्ट बी रिवाइज्ड एट लीस्ट वंस इन, तो 1010 जो है इसका राइट आंसर है 5 years. इसके बाद आता है द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन कलेक्ट पॉलिटिकल फंड फ्रॉम इट्स मेंबर एज ए, तो 10111 का जो राइट आंसर है वो है सी सेपरेट फंड फ्रॉम द इंटरेस्टेड मेंबर्स. इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशन इज इंप्लीमेंटेड ओनली बाय द सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी, तो 112 का जो राइट आंसर है वो है सी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट. इसके बाद आता है हर्षा हरास्ड बाय अ फिक्स्ड आइडिया, तो 1013 जो है इसका राइट आंसर है. इसके बाद इंग्लिश शुरू हो जाती है, तो 1013 का राइट आंसर है सी ऑब्सेस्ड. तो इसके बाद जो अगला सवाल है 114 का राइट आंसर है सी सैडिस्ट. इसके बाद 115 की बात करूं तो 115 का राइट आंसर है एम्बिवेलेंस, तो ये इसका राइट आंसर है. इसके बाद 116 की अगर बात करूं तो 116 का राइट आंसर है डी. 117 के आंसर की बात करूं तो 117 का आंसर है एनएमआर. 118 का जो राइट आंसर है
वो है डी कॉमोडियस। तो इसके बाद अगर 119, 119 का जो राइट आंसर है वो बी है एबंडेंस, 120 का राइट आंसर ए है रिवील, 121 की बात करूं तो 121 का लिमिटेड ए राइट आंसर है। इसके बाद 122, 122 का राइट आंसर है प्लंग्ड। इसके बाद 123, 123वां जो सवाल है उसका राइट आंसर है टिम्यूल्टस, टिम्यूल्टस जो ये है बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है 124, 124 का राइट आंसर है सी ओवर एट, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद कंकाल का कंगाल, तो इसका जो अर्थ है इसका अर्थ होता है ए इसका राइट आंसर है ठठरी और निर्धन। यथावधि, तो यथावधि जो है इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव। इसके बाद आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना का जो राइट आंसर है वो है झगड़ा लगाना। इसके बाद आता है कूल का उपसर्ग जो है बनता है, कूल का उपसर्ग बनता है प्रतिकूल। सुंदर का प्रत्यय, सुंदर का प्रत्यय है सौंदर्य, ए इसका राइट आंसर है। शुद्ध शब्द, इसमें शुद्ध शब्द जो है वो ये है दुरावस्था। तो इसके बाद गृहस्थ का विपरीत, गृहस्थ का विपरीत होता है सन्यासी। इसके बाद प्रत्युत्तर का जो विच्छेद, संधि विच्छेद होता है वो ये है प्रत्युत्तर। नेक्स्ट सवाल है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज, जो 133 है इसका सही जवाब है, 133 की बात करूं तो 134 की बात करते हैं। इसके बाद ऋग्वैदिक पीपल इन्वोक्ड इंद्रा फॉर, 134 का जो राइट आंसर है वो है डी मेटीरियल कंफर्ट, मेटीरियल कंफर्ट्स एंड विक्ट्री। इसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, 135 का है बिंबिसार, ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर वॉज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्ता टू। इसके बाद आता है उदयगिरी इज इन, उदयगिरी जो है इसका राइट आंसर है ए उड़ीसा। नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल है हर्षा रोट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो किसको छोड़ के, कादम्बरी को छोड़ के, तो कादम्बरी जो है ये हर्षा ने नहीं लिखी है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विच चोला रूलर वॉज ऑल्सो नोन एज द मदुराई कुंडा, तो मदुराई कुंडा के नाम से जाना जाता है परांतका वन को। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज नॉट फाउंडेड बाय फिरोज तुगलक, तो डी इसका राइट आंसर है फिरोजपुर। इसके बाद आता है द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव फ्रॉम इंडिया वॉज बैंड बाय, तो ये फिरोज तुगलक नहीं, इसको बैन किया था। इसके बाद आता है हमजानामा इज ए वर्क ऑन, 142 का राइट आंसर है पेंटिंग, बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है विच टैक्स लिवाइड बाय ऑन द हिंदूज वॉज अपोज्ड बाय शिवाजी, तो 143 जो है इसका राइट आंसर है जजिया। इसके बाद आता है द मुगल एम्परर टेकन प्रिजनर बाय नादिर शाह वॉज, 144 जो है इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह, 144 इसका राइट आंसर है। इसके बाद 145 की बात करूं तो हु एज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ द सिख्स आफ्टर द डेथ ऑफ गोविंद सिंह, तो इसका राइट आंसर है बंदा बहादुर। 146 की बात करें ओवर विच रीन ऑफ ऊपर ओवर विच रीजन ऑफ इंग्लिश डिड नॉट गेट दीवानी राइट्स इनिशियली, तो दक्षिण साउथ इसका राइट आंसर है डेक्कन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट है अंडर विच गवर्नर जनरल डिड द परमानेंट सेटलमेंट केम इन टू बींग बंगाल इन बंगाल, तो इसका राइट आंसर है बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज नॉट डज द द्योबंद मूवमेंट कम अंडर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिवाइवलिस्ट। तो नेक्स्ट आता है गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट इन द ईयर, तो 149 का राइट आंसर है 1906। इसके बाद आता है हु लेड द अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक ऑफ 1980, तो इसका राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। हु बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ द ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939, तो इसका राइट आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आता है हु मेड द फॉलोइंग सेटलमेंट अबाउट द क्रिस्प मिशन, इट इज आउटडेटेड चेक, तो 152 जो है इसका राइट आंसर है डी महात्मा गांधी। इसके बाद आता है रॉक कंटेन चीफली ऑफ द सैंड एंड सैंडस्टोन आर कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है सी एरिनासियस, एरिनासियस इसका राइट आंसर है। इसके बाद बात करूं तो नेक्स्ट सवाल है व्हाट टाइप ऑफ वॉल्केनो इज माउंट फुजी, तो माउंट फुजी जो है ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं द मोस्ट प्रीडोमिनेंट इनर्ट गैस
ऑफ द एटमोसफेयर इज आर्गन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मजर द एटमोसफेयरिक प्रेशर, तो बैरोमीटर इसका राइट आंसर है। इसके बाद है विच टाइप ऑफ फॉग कॉमनली अकर्स अलोंग द सी कोस्ट, तो 157 का राइट आंसर है एडवेंक्शन फॉग। तो इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन Which of the following continents is the only inhabited continent situated entirely outside the tropic? तो 158 का जो राइट आंसर है वो है यूरोप। 159 की बात करूं, द सन द मून एंड द अर्थ आर इन पोजिशन ऑफ अपोजिशन ड्यूरिंग द, तो 159 जो है इसका राइट आंसर है फुल मून। इसके बाद आता है द फ्लो जो 160 है, 160 आता है इसके बाद, 160 है द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक लेबल टू अनदर इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है 160 का फूड चेन। इसके बाद आता है स्मॉग इज अ कॉमन पॉल्यूटेंट इन प्लेसेस हैविंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, तो 161 जो है, 161 का राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव एरिया ऑफ डेंस पॉपुलेशन, तो 162 का राइट आंसर है ईस्ट एशिया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट है लेक वान गोलू इज सिचुएटेड इन, तो इसका राइट आंसर टर्की है। नेक्स्ट इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिजिकल फीचर इज कंसिडर्ड एज अ रिमनेंट ऑफ द गोंडवाना लैंड, तो इसका राइट आंसर है डेकन प्लेटू। इसके बाद बात करें, माउंट आबू इज अ स्मॉल हिली ब्लॉक इज सेपरेटेड फ्रॉम द अरावली रेंज बाय, तो बनास वैली, डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 166 की बात करूं, तो द रेंज लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द अपर गोदावरी वैली इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर है इसे कहा जाता है अजंता रेंज। इसके बाद आता है इन द अपर रीचर्स रिवर ब्रह्मणी इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे साउथ कोयल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सीजन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कन्वेंशन, तो वसंत को पहला सीजन माना जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है द मॉनसून स्टार्टेड रिट्रीटिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाय, तो इसका राइट आंसर है सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर इसका राइट आंसर है। तो रेड सॉइल इज पुअर इन, जो रेड सॉइल है वो किस में पुअर होती है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। सो गाइज ये आंसर की थी जो ऑफिशियल आंसर की है, तो पिछले कल जो मैंने आंसर की अपलोड करी थी उसमें कुछ एक क्वेश्चन आठ आठ नौ के करीब जो क्वेश्चन है वो हमारे गलत पाए गए, तो ये ऑफिशियल आंसर की है। अगर आपको इस पर भी डाउट है तो अपना जो आप जो अपनी आपत्ति है वो दर्ज करवा सकते हैं, आप इनकी साइट पर जाके वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें चैनल को, जो बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करें।